अगर आपको मैच देखने के लिए आना है तो हम आपको पूरी तरह फैसिलिटेट करेंगे। हमने आपके लिए पार्किंग एरियाज का वसी इंतजाम कर रखा है, आप आएंगे और आके गुलबर्ग कॉलेज की पार्किंग में, अभी तक हम नहीं भर पाए हैं, 3-4 इवेंट्स हो चुके हैं, बहुत वसी पार्किंग अवेलेबल है, वहां पे हम आपकी गाड़ी पार्क कराएंगे। हम लिबर्टी प्लाजा को यूज करेंगे, सनफोर्ट होटल को यूज करेंगे और जो एलडीए प्लाजा है उसको यूज करेंगे। इन 4 पार्किंग एरिया, ये पार्किंग प्वाइंट है, यहाँ पर आप अपनी गाड़ी और मोटरसाइकिल पार्क कर सकते। हमने वहां तक आपको पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है, हम जिम्मेदारी लेंगे। शायकीन तकरीबन 25,000 के करीब आएंगे। हमने टीमों को पूरी सिक्योरिटी के साथ, क्योंकि सिक्योरिटी जो है वो हमारी प्राइम कंसर्न है, उसके ऊपर हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और टीमों को जब हम स्टेडियम तक पहुंचा देंगे तो हम ये इंश्योर करेंगे कि कोई भी रोड, कोई भी डायवर्शन उस वक्त ना लगी हुई हो। तमाम शहरियों के लिए पूरा लाहौर शहर ओपन होगा। सिर्फ प्रॉब्लम ये होगी कि चूंकि हम एंटिसिपेट करते हैं कि 25,000 लोग अगर आए हैं तो कम से कम 10,000 से 12,000 व्हीकल जो हैं वो उस एरिया में उस वक्त मौजूद होंगी जो पार्क होना चाह रही होंगी। जाहिर है क्यूज होती हैं, एक गाड़ी पार्क हो रही है, 3 पीछे खड़ी, तो वहां पर ट्रैफिक कंजेशन होगा। मैच शुरू होने से जस्ट पहले आपको लिबर्टी मार्केट का सराउंडिंग एरिया जो गुलबर्ग का है और जो आपकी फिरोजपुर रोड का आपका वो एरिया है उसको आपने अवॉइड करना है अगर आप आम कम्यूटर हैं। हमने मिनट्स इवन सेकंड्स का भी हिसाब रखा हुआ है। अच्छा। हमारी जिस वक्त टीम्स गाड़ियों में बैठ जाएंगी तो एक पूरा कोऑर्डिनेटेड सा निज़ाम है कि हम उस वक्त ट्रैफिक को जीरो करना शुरू करेंगे जी। और जिस वक्त ट्रैफिक जीरो होगी, मतलब ट्रैफिक जीरो करके टीमें नहीं बिठाई जाएंगी, टीमें बिठाने के बाद ट्रैफिक जीरो की जाएगी और उसके बाद जैसे ही टीमें स्टेडियम में एंटर होंगी ट्रैफिक को खोल दिया जाएगा। इसमें कुछ रोड्स वो हैं जो ट्रेडिशनली बंद की जाती थी जिनको हम इस दफा बंद नहीं कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये जो 5 रोड्स हैं इसके ऊपर ट्रैफिक का, यानी अब मसला हमारा ये है कि हमने जो हमारा रास्ता है वो ये है कि हमारा माल रोड उसमें आता है, हमारा फिरोजपुर रोड आता है, जेल रोड आता है, केनाल मेन आती है और मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग आती है। अब यही 5 सड़कों का नाम एक्चुअली लाहौर है। लाहौर है, बिल्कुल आपने सही कहा। अब ये वो रोड्स हैं जिसके ऊपर अगर आप एक मिनट के लिए भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो घंटों आपके लिए प्रॉब्लम होती है। हमने इसमें प्लानिंग ये की है कि हम जहां से हमारे एक तो हमने लोगों के बहुत ही अच्छे तरीके से उनको कम्युनिकेट कर दी कि ये हमारे डायवर्शन पॉइंट्स हैं। दूसरा हमारी कोशिश ये है कि डायवर्शन पॉइंट पे हम किसी गाड़ी को खड़ा ना होने दें, हम उसको चलाते रहें या यू टर्न दें या लेफ्ट राइट जहां पे भी जगह है वहां पे उसको भेज दें। अगर वहां पे ट्रैफिक खड़ी होगी तो जाहिर है वो थोड़ी देर के बाद बहुत ज्यादा जमे फीर बन जाएगा। टीम्स एंटर होंगी, हम फौरी तौर पर ट्रैफिक को खोलेंगे। हमने इसकी इतनी भरपूर बारीकबीनी के साथ प्लानिंग की है। हमने इसमें 2 CTOs लाहौर शहर से बाहर से बुलाए हैं, CTO फैसलाबाद एंड CTO गुजरांवाला, 6 DSPs हमने बाहर से बुलवाए हैं। हम जो इनिशियल प्लानिंग थी 750 लोगों के साथ, हमने कहा था कि हम इसको मैनेज करेंगे, अब उसकी तादाद बढ़ा के हमने 1,000 के करीब कर दी है। बट हम एक बड़ा इवेंट करने जा रहे हैं, हमारे बड़े शहरों की जो एक पहचान हुआ करती है वो कल्चरल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं, इसके बगैर कोई भी शहर बड़ा नहीं कहला सकता। तो ये एक बड़ा इवेंट है, हमारे मुल्क की, हमारे शहर की नेकनामी का बाइस है, तो हमें उसके लिए थोड़ी सी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन मैं इंश्योर ये करता हूँ कि अनड्यू एक सेकेंड की भी परेशानी नहीं होने दी जाएगी। ड्यू परेशानी जो है वो होगी और हम कोशिश करेंगे कि उसको जितना कम से कम कर सकें अपनी मेहनत से। बिल्कुल, थोड़ा सा आप लोगों का ताबुन भी दरकार है। अगर आपको कहा जा रहा है कि इस टाइम ये रास्ता डायवर्जन लगाई गई है, बंद है, थोड़ी देर बाद खोला जाएगा, तो आपको भी इस चीज को समझना है और आप मुतबादल रास्ता इख्तियार कर लेंगे, आपके लिए भी आसानी होगी, जो लोग ड्यूटी पर हैं उनकी भी मुश्किल आसान हो जाएगी। शायकीन की आमद किस टाइम शुरू होगी और लोग कैसे किस टाइम पर आना शुरू होंगे? देखिए, लोग तो बहुत जोश और खरोश है, लेकिन हमारे लिए इसमें फायदा है कि जितना स्टैगर्ड होगा टाइम उतना हमारे लिए फायदा है। लोग तो मैच शुरू होने से 3 घंटे पहले भी आना शुरू हो जाते हैं और ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि वो अगर लोग तमाम के तमाम लोग हाफ एन आवर के दरमियान में आएंगे तो जाहिर है हमारे लिए परेशानी होगी। तो लोगों के आने में कोई प्रॉब्लम नहीं, जो मैच देखने के लिए आ रहा है उसको तो ऑब्वियसली वो स्टेट ऑफ माइंड से आ रहा है कि उसको रश पर जाना है, रौनक में जाना है, वो पहले से प्रिपेयर, उसका कोई इशू नहीं है। उसके लिए हमने
बड़ा ही वसी पार्किंग का इंतजाम किया हुआ है, बल्कि ट्रैफिक कैंप भी है। आप जरूर वहाँ पर तशरीफ लाएं, आपको चाय मिलेगी, शरबत मिलेगा, फ्लेवर्ड मिल्क मिलेगा, आपको क्रिकेट खेलने का बाहर मौका फराहम किया जाएगा और हम थोड़ी सी तरबियत भी आपकी करेंगे। इस चीज का, इस जेस्चर का मकसद क्या होता है कि आप सिटी ट्रैफिक पुलिस के साथ ताबुन करें, वो आपके साथ ताबुन करेगी। सर, मुमकिन तौर पर आप लाहौरियों को क्या कहना चाहेंगे, कौन कौन से रोड ऐसे हैं शहर के जहाँ पर ट्रैफिक हो सकती है, जहाँ पर जैसे अब मैंने प्लान ये किया है कि मैंने फौरी तौर पर ऑफिस से निकल रहे ताकि फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक उस टाइम तक मैं ना जाऊं जब ट्रैफिक ज्यादा हो। सो कौन कौन से रोड ऐसे हैं जहां पर आज हमें सफर करने से कुछ ग्रेस करना है? देखिए, ये पांच ही रोड्स हैं जैसे मैंने गुजारिश की। मॉल रोड है, हमारी मेन बुलेवार्ड है, कैनाल रोड है, जे रोड है, फिरोजपुर रोड है। ठीक, मैंने जैसे गुजारिश पहले की कि हम इन रोड्स को चंद मिनट के लिए बंद करेंगे। चंद मिनट से मुराद मेरी चंद मिनट है। ये हमने कैलकुलेट किया कि हमारा मैक्सिमम जो टाइम है वो 12 से 13 मिनट है जिसके लिए हम इसको बंद करेंगे, और 12 से 13 मिनट का बैकलॉग जो है वो हमें फिर निकालना है। ठीक है, उसके लिए हमने प्रॉपरली प्लानिंग की है कि अब जो शख्स अगर ज्यादा से ज्यादा भी खड़ा हो सकता है ट्रैफिक पे, वो 12 से 13 मिनट है। ठीक है, ये हमने मुख्तलिफ सेक्टर्स में डिवाइड किया है, सारे सेक्टर्स को इकट्ठे बंद नहीं किया जाएगा, बारी बारी पैकेट्स में किया जाएगा, लेकिन मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ कि मैक्सिमम ये टाइम है जिसमें टीम को होटल से स्टेडियम पहुंचने में इतना टाइम लगेगा। ठीक है, उसके बाद हम ट्रैफिक को खोल देंगे। उसके बाद जो आपको कंजेशन नजर आएगी वो कंजेशन होगी जो ट्रैफिक के बंद होने की वजह से होगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उसको विद इन हाफ एन आवर उस कंजेशन को हम किसी न किसी तरीके से गुजार दें। पहले तो हम कोशिश करेंगे कि कंजेशन ना होने दें, ट्रैफिक को रुकने ही ना दें, ट्रैफिक को हम किसी तरीके से चलाते रहें उन 12-13 मिनट में भी। लेकिन अगर कोई खड़ा हो भी जाता है, मतलब एक कोई कहता है कि जिद कर लेता है कि नहीं मैंने डाइवर्ट नहीं होना, मैंने तो सीधे जाना है। अब पिछले दिनों एक सियासी जमात का जलसा था तो एक खास प्रोफेशन से ताल्लुक रखने वाले साहब, उन्होंने कहा कि जी तुसी कौन होते सन रोकना ने, हम कंजेशन में फंसने से बचा रहे थे डाइवर्शन प्वाइंट में, तो हमने कहा जी बिस्मिल्लाह आप जाइए। अच्छा, अब ये वाले रवैये जो है वो किसी भी सूरत ना काबिले बर्दाश्त नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग जो उसमें बात है कि 1.5-2 मिनट के बाद वो वापस आ रहे थे और कहने लगे तुझ सही कहने सो। अब बात ये है कि जब हम आपको एडवाइस कर रहे हैं कि सर ना जाएं, तो आप ना जाएं ताकि हमें बाद में उस कंजेशन को खत्म करने में आसानी हो। लेकिन हम आपको सड़कों के ऊपर भरपूर मेहनत करते नजर आएंगे, और हमारा एम ये है, प्लान ये है कि हम हाफ एन आवर के अंदर अंदर टीमों की मूवमेंट के बाद इस सारे कंजेशन को खत्म करके रूटीन के मुताबिक।